समझे इसको, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि यदि कोई रेल गाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई किसी खंभे पुल या जो भी दिया गया हो y सेकंड में पार करती है, तो y सेकंड तक की गई दूरी भी उस गाड़ी की लंबाई कहलाएगी। ठीक है? Yes. जो मतलब y सेकंड में जितना आप दूरी तय करेंगे वही उस गाड़ी की लंबाई होगी। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो ये बताइए, यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, तो यानी हमें ये निकालना है कि 10 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो बताइए दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? चाल इंटू समय। तो हमें ये बात बताइए कि यहाँ जो चाल दिया किसमें दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय किसमें दिया है? सेकेंड में। इसलिए सबसे पहले हम किसको चेंज करेंगे? चाल को चेंज करेंगे। ये दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, जिसको मीटर प्रति सेकेंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो आपके पास आ गया 25/2 मीटर प्रति सेकेंड। चाल तो हमारा चेंज हो गया बाबू। अब हमें निकालना क्या है? गाड़ी की लंबाई, यानी रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई। तो ये बताइए हमें, अभी हम बोले कि रेलगाड़ी की लंबाई वही होगी जो 10 सेकंड में तय की गई दूरी होगी। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई 10 सेकंड में दूरी ही रेलगाड़ी की लंबाई कहलाएगी। तो बताइए हमें दूरी निकालना है, ठीक है? यानी रेलगाड़ी की लंबाई और दूरी दोनों बराबर है होगा, तो 10 सेकंड में, और ये चाल आपका दिया है यहाँ पे देख लीजिए इतना, और आप समय से गुणा किए, तो यहाँ भी सेकेंड है, यहाँ भी सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, 2 × 5 = 10, तो आपके पास बच गया क्या बाबू? ये तो देखिए, ये तो हमारा दिया है मीटर में, तो देखिए यहाँ मीटर है तो मीटर ही रहेगा। अब बताइए 125 मीटर, ये आ गया 10 सेकेंड में उस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, और उसी को रेल की लंबाई कहेंगे। इस तरह से रेल की लंबाई निकल गया इतना, ठीक है? चलिए,